राजधानी में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के इस बेहद सुरक्षित जोन प्रगति मैदान इलाके में लूट की इस वारदात पर गंभीर चिंता जाहिर की है। सीएम केजरीवाल ने एक सीसीटीवी वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि दिल्ली में लचर कानून व्यवस्था को देखते हुए एलजी विनय सक्सेना को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि किसी और व्यक्ति के लिए एलजी बनने का रास्ता साफ हो जो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। केजरीवाल ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार दिल्ली को सुरक्षित नहीं बना सकती तो इसे हमें सौंप दें। हमारी सरकार आपको दिखाएगी कि कैसे देश की राजधानी को यहां रहने वाले नागरिकों के लिए सुरक्षित बनाया जा सकता है। प्रगति मैदान टनल की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो बाइक पर सवार चार लुटेरे गन पॉइंट पर प्रगति मैदान टनल में कार को रोकते हैं, उसके बाद कार का दरवाजा खोलते हैं और पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो जाते हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने इस घटना की तुलना चंबल घाटी से करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल का इस्तीफा मांगा है। हम देखते थे कि ऐसी डकैती चंबल की घाटियों में होती थी, जहां पे गोली दिखाकर, बंदूक दिखाकर, कनपट्टी पर बंदूक रखकर लोगों को लूट लिया जाता था। आज चंबल जैसी डकैती दिल्ली में खुलेआम हो रही है। ना सिर्फ डकैती बल्कि बलात्कार हो रहे हैं, लोगों की कत्ल हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है और ये दिन दहाड़े खुलेआम हो रही है, क्योंकि यहाँ चोर चक्कों को, किसी भी प्रकार के क्रिमिनल्स को कोई डर ही नहीं है। उनको पता है कि एलजी साहब के पास सिर्फ एक काम है, अरविंद केजरीवाल के काम का क्रेडिट लूटने का काम। वो सुबह से लेकर रात तक वही करते हैं। जो एलजी साहब की संवैधानिक जिम्मेदारी है दिल्ली में पुलिस व्यवस्था को देखना, दिल्ली में कानून व्यवस्था को देखना, उसके लिए एलजी साहब के पास एक मिनट का भी समय नहीं है। तो अगर एलजी साहब से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभलती है तो एलजी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो किसी और को एलजी बनने दीजिए जो दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सके। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली के उपराज्यपाल की अनदेखी और केंद्र सरकार की राजनीति के चलते दिल्ली में लगातार लूटपाट, हत्या और चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले एक महीने में लगातार अपराध बढ़े हैं, चाहे फिर वो साक्षी मर्डर केस हो या फिर दिन दहाड़े हुई लूट का मामला। आम आदमी पार्टी का ये भी आरोप है कि एलजी साहब अपने काम को छोड़कर केजरीवाल सरकार के काम का क्रेडिट लेने में व्यस्त हैं। पिछले साल अगस्त में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें बताया गया कि 40% क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड जो है उसमें इजाफा हुआ है। आज भी हमने देखा किस तरीके गन पॉइंट के ऊपर प्रगति मैदान के साथ जो फ्लाईओवर है उसके अंदर दिन दहाड़े डकैती की गई है। किस तरीके नए साल की जब शुरुआत हुई तो कंझावला वाले इंसिडेंस ने सबको झंझोड़ के रख दिया। इस तरीके के बेहिसाब अपराध हमने इस साल में हर दिन देखे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था जो माननीय एलजी साहब के हाथ में है, और एक बहुत मशहूर कहावत है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। दिल्ली के सभी अपराधी इस टाइम बेखौफ घूम रहे हैं क्योंकि दिल्ली के एलजी साहब खुद कई सारे इस तरीके के अपराधों में शामिल रहे हैं। उनके पास, उनके ऊपर खुद इस तरीके के मुकदमे चल रहे हैं जिसमें महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस तरीके से दिल्ली पुलिस हर दिन लापरवाह होती जा रही है। किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो थाना लेवल कमेटी होती थी जिसमें विधायक चेयरमैन होते थे और हर महीने ये मीटिंग करके SHO की जवाबदेही तय करते थे, कुछ ना कुछ उन चीज़ों से कानून व्यवस्था में सुधार होने की गुंजाइश लगती थी। पर जब से नए LG साहब को नियुक्त किया गया है हर दिन कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रगति मैदान टनल में लूट की ये घटना 24 जून की रात की है। जानकारी के मुताबिक प्रगति मैदान सुरंग के अंदर चार अज्ञात हमलावरों के गैंग ने एक डिलीवरी एजेंट और उसके सहयोगी से बंदूक की नोक पर 2 लाख रुपए की नकदी लूटी है।
इसकी सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है, लेकिन 48 घंटे बाद भी पुलिस किसी भी आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।